आखिरकार किसानों ने करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव कर ही लिया। किसानों की महापंचायत को देखते हुए करनाल शहर छावनी बना रहा। मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ने से पहले अनाज मंडी में जुटे किसान। किसानों का 11 सदस्यों का एक दल प्रशासन से बातचीत करने पहुंचा। कल की ही तरह आज भी बातचीत बेनतीजा रही। देर शाम किसानों ने मिनी सचिवालय की तरफ कूच की। सचिवालय के पास किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। करनाल पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाई। अब किसान मिनी सचिवालय के बाहर बैठ गए हैं। किसान नेता गुरमान चूड़नी, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज किया जाए, साथ ही साथ घायल किसानों को मुआवजा भी दिया जाए।